जैन दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए कार कैंपिंग ब्लॉग में। क्योंकि आज अपनी होने वाली है कार कैंपिंग और मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज जो ये वीडियो आएगी ये भी काफ़ी दिनों में आ रही है, क्योंकि बीच में कुछ काम पड़ गया था इसलिए मैं ब्लॉग नहीं लेके आ पाया। तो आज का ब्लॉग बहुत मस्त होने वाला है, प्लीज़ सपोर्ट करना। सनसेट भी होने वाला है, पहले आप सनसेट का खूबसूरत नज़ारा देखिए, उसके बाद मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ कि कितनी मस्त है। क्योंकि यहाँ अब हरियाली हो चुकी है, सारे में घास जम चुकी है, पूरा हरा हरा हो चुका है। पहले यहाँ खुला मैदान था लेकिन अब यहाँ घास हो गई है और बहुत बड़े बड़े साइडों में को ऊंची ऊंची घासें भी हो चुकी है। तो पहले सनसेट का मजा लीजिए। तो गाइस, सनसेट तो हो चुका है और देखिए गंगा जी में कितना पानी चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों पर बारिश हो रही है तो इसलिए गंगा जी का स्तर भी बढ़ चुका है, पानी का फुल पानी चल रहा है। और आज अपनी कैंपिंग मस्त होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ जो लोग आते थे वो भी लगभग कोई नहीं है, एक दो लोग हैं सामने, बाकी कोई नहीं है। तो ये देखिए इधर खड़ी है अपनी गाड़ी, और देखिए पूरा खुला मैदान है और इधर गंगा जी बह रही है। तो गाइस अंधेरा होने वाला है, तब तक मैं नूडल्स बॉईल करने के लिए रख देता हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने वाला हूँ चाउमीन। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पूरे कपड़े भीग चुके हैं पसीने में। आपके यहाँ कितनी गर्मी हो रही है, कौन कहाँ से है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। पानी में थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ। और अब इसको बॉईल होने के लिए रख देता हूँ, जब तक पानी बॉईल होगा फिर इसके अंदर मैं नूडल्स को डालूँगा, क्योंकि जब तक पानी गर्म नहीं होगा अच्छे से तब तक नूडल्स को नहीं डाल सकते। पानी तो बॉईल हो चुका है, अब इसमें डाल देता हूँ नूडल्स। और चांद भी निकल चुका है, कुछ परसेंट ही, 25% के आसपास ही चांद निकल रहा है, पूरा चांद नहीं है। और अंधेरा हो चुका है, पीछे तो कुछ दिखाई भी दे रहा है लेकिन इधर की साइड में तो आगे पूरा अंधेरा हो चुका है, क्योंकि इधर की तरफ पेड़ वेड़ है ना, बहुत झाड़ियाँ और घास। और गाइस पंछी बहुत आ रहे हैं इसलिए लाइट को मैंने दूर रखा है, जिससे इसमें पंछी ना गिर जाए, क्योंकि बहुत पंछी मच्छर उड़ रहे हैं। तो नूडल्स तो बॉईल हो चुके हैं, अब इनका पानी निकाल देता हूँ। और अब इसमें मैं थोड़ा सा गिर लेता हूँ ठंडा पानी, जिससे चिपकेंगे नहीं।
तो गाइस अच्छे से नूडल्स निचड़ चुके हैं और अब सब्जी काट लेता हूँ, प्याज और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च तो कट चुकी है, और अब प्याज के बारीक बारीक क्यूब ये निकाल लेता हूँ। और गर्मी बहुत है गाइस, पसीना आ रहा है, फुल पसीना, सारे कपड़े और माथे पे पूरा पसीना है। पता नहीं आज रात कैसे कटेगी गाड़ी में, शीशे खोल के सोऊंगा थोड़े थोड़े। तो प्याज भी अपनी कट चुकी है और शिमला मिर्च भी कट चुकी है, अब इनको फ्राई कर लेता हूँ। इसमें गिर लेता हूँ थोड़ा सा ऑयल, तो ऑयल तो हो चुका है गरम, अब इसमें प्याज डाल लेता हूँ। और गाइस लेपर्ड बहुत ज़्यादा घूम रहा है आसपास, डेली अटैक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आसपास से खबर आती है डेली कि लेपर्ड ने अटैक कर दिया है, तो इसलिए चार तरफा ध्यान भी रखना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ तक लाइट जा रही है वहाँ तक तो ठीक है, फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा ही अंधेरा है सारे में। अब इसमें डाल लेता हूँ शिमला मिर्च, और सोलो कैंपिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए कहता हूँ कि जल्दी से सोलो कैंपिंग मत करना, अगर करना है तो सेफ़ जगह करें जहाँ लोकेशन सेफ हो, नहीं तो बहुत ख़तरा है सोलो कैंपिंग करने में। और सबसे बेटर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप कैंपिंग करने की कोशिश करें। अब इसमें डाल लेता हूँ गाइस नूडल्स, थोड़ी सी सोया सॉस, थोड़ा विनेगर, और ये भी ध्यान रख रहा है कि पंछी ना चला जाए, कभी जीरे का काम कर दे चाउमीन में, और थोड़ा रेड चिली सॉस, इसलिए मैंने लाइट भी दूर लगा रखी है जिससे पंछी ना आए, वैसे यहाँ पंछी आ नहीं रहे, और थोड़ी सी ग्रीन वाली सॉस। तो चाउमीन तो अपनी बन चुकी है, चाउमीन खाने से पहले मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ कि कितना अंधेरा हो चुका है। देखिए गाइस ये अपना कार कैंपिंग का सेटअप है,
और लाइट कितनी मस्त लग रही है। और इधर अपनी मैगी बन के रेडी हो चुकी है और देखिए कितना अंधेरा है, इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये मैंने यहाँ लाइट लगा रखी है, देखिए फुल अंधेरा है। और आज चांद भी थोड़ा ही निकल रहा है, पूरा चांद नहीं है, नहीं तो चांद की थोड़ी लाइट होती तो कुछ दिखता भी दूर का। अब डिनर कर लेता हूँ और पहले थोड़ा सा अलग निकाल के रख देता हूँ, क्योंकि कभी भी जंगल में आप अगर खाना बना रहे हो तो थोड़ा सा अलग निकाल के जरूर रख देना चाहिए, क्योंकि जो लोग इन बातों को समझते हैं वो समझ गए होंगे कि क्यों रखना चाहिए, और जो नहीं समझते वो सोच रहे होंगे अंधविश्वास है। कोई नहीं, अपनी अपनी आस्था है सबकी। तो अब डिनर कर लेता हूँ। गाइस चाउमीन एक नंबर मस्त बनी है। अल्टीमेट। और साथ में है कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी के साथ में चाउमीन का मजा ही आ रहा है खाने में। तो गाइज अपना डिनर तो हो चुका है कंप्लीट, और अब टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 9 बजने वाले हैं, 2 मिनट रह गए 9 बजने में। अंधेरा भी पूरा हो चुका है और जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई है। तो अपना पहले सामान को अच्छे से इन्हें समेट लेता हूँ, गाड़ी में रख देता हूँ। तो डिनर तो अपना हो चुका है और देखिए कितना पसीना आ रहा है, पूरा पसीने में भीग चुका हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और इधर है अपनी गाड़ी पीछे, और देखिए पूरा अंधेरा हो चुका है। ये देखिए सामने दिखाता हूँ कि कितना अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पूरा अंधेरा है। और गाइस अपनी गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, बाहर पंछी और मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, देखिए शरीर पे पूरे पे बैठ रहे हैं। तो अपना गाड़ी में अंदर चलता हूँ और सोने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस पता नहीं इधर से आवाज़ें आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई चीज़ दहाड़ सी रही हो, और पक्षी भी बोल रहे हैं। तो जल्दी से अपना गाड़ी में चलते हैं, मच्छरों ने तो आतंक तार रखा है फुल। लाइट को उतार के रख देता हूँ, नहीं तो फिर डिग्गी बंद नहीं होगी ना, इसलिए। और इधर से आवाज़ आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की है, पक्षी भी बोल रहे हैं, तो इसलिए अपना जल्दी से गाड़ी में चलता हूँ अंदर। तो मिलते हैं सुबह, गुड नाइट फ्रेंड्स।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह हो चुकी है और सनराइज भी होने वाला है, क्योंकि टाइम हो चुका है 5:30 बज चुके हैं। तो मैं अपने लिए पहले ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ, चाय या कॉफ़ी। गाइज मैंने ब्रेकफास्ट में कोल्ड कॉफ़ी पी ली है और अब समय है घर चलने का। अपना जल्दी से पैकिंग कर लेता हूँ, मेज वेज अंदर रखता हूँ, उसके बाद चलता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।